अस्सलामुअलैकुम क्लास सेवन्थ, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके पास ये बोली सबके पास किताब होगी। आज हम सबक नंबर 3 आखिरत पर ईमान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि ये सब आप जानते हैं, आपने 6th क्लास में भी इसके बारे में आपके पास काफ़ी नॉलेज होगा और 5th क्लास में भी आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज होगा। तो आज इसका जो है सबसे पहले ईमान का, आखिरत पर ईमान का मफहूम, ये मफहूम जो है ये आपने अच्छी तरह इसको याद कर लेना है। जैसे कि दीन इस्लाम में जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है, आखिरत इनमें से एक है, ये तो आपको मालूम हो गई। फिर उस पर आखिरत का पर ईमान का मतलब ये है कि उस बात पर यकीन रखा जाए कि ये जो ज़िंदगी है ये हमारी एक आर्जी ज़िंदगी है, ये एक ज़िंदगी जो है ये आर्जी ज़िंदगी, ये मौजूदा ज़िंदगी हमारी है और ये ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, यानी ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा ज़िंदा करके एक जगह जमा हमें यानी कि किया जाएगा और फिर जो है हमसे हिसाब, हमारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा और नेक लोगों को इनाम मिलेगा और बुरे लोगों को सज़ा मिलेगी। यानी नेक लोग जो होंगे उनको इनाम के तौर पर जन्नत मिलेगी और बुरे लोग जो होंगे उनको जो है वो सज़ा के तौर पर दोजख मिलेगी या जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा जो भी। आखिरत पर ईमान लाने के तकाजे, सबसे पहला तकाजा ये है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान हमारा होना चाहिए, यानी हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमने एक दफ़ा मर जाना है और मरने के बाद हमने रोज़े हशर में ज़िंदा होना है। इस चीज़ पर हमारा ईमान जो है वो बहुत होना चाहिए और हमें यकीन होना चाहिए कि इंसान को मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखे और इस बात पर यकीन रखे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसी बात का तذکرہ करते हुए फ़रमाया और बेशक क़यामत आने वाली है और अल्लाह ताला इस दिन कब्रों में सब मौजूद सब लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा। तो आज हमारा सबक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।